जगह पे आज शालामार बाग वाक़ है। यहाँ पे बेसिकली एक गांव था इसहाकपुर, सम और जो बादशाह की तरफ से ऑर्डर था और एक बाग यहाँ पे उन्हें बनाना था। सो जो लैंड उन्होंने पसंद आया उसकी वजह ये थी कि स्टेप्स में था। आज तो शालामार बाग अगर आप जाएँ तो आपको तीन तख्ते नज़र आते हैं, तीन स्टेप्स में है बाग। ओरिजिनली जो बुक्स में मिलता है और जो बड़ों से मैंने सुना हुआ है सेवन स्टेप्स है, तो वो स्टेप्स की वजह से उन्होंने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि उन्होंने आबशारें चलानी थी और बीच में फाउंटेन वगैरह लगानी थी। तो वो जो लैंड सेलेक्ट हो गया तो उस वक्त जो फैमिली के जो हेड कर रहे थे वो मियाँ मोहम्मद यूसुफ थे, उनका जो एक आम उर्फ मैर मैंगा, ये पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब ये वाइज मैन, इतने मशहूर थे कि उनको गवर्नर ने मैसेज भेजा कि शाहजहाँ बादशाह मिलना चाहते हैं। तो बादशाह ने उनको बुलाया लाहौर किले में और मोहम्मद मियाँ मोहम्मद यूसुफ को ये ऑफ़र किया कि आप यहाँ पे हम बाग बनाना चाहते हैं, सो ये ज़मीन आप हमें भेज दें। उन्होंने जवाब ये दिया कि आप शहंशाह हैं, ज़मीन तो सारी आपकी है, तो मैंने बेचनी किसको है, आपकी है, आप इसको बना लें। और बादशाह को शायद ये बात बहुत पसंद आ गई, तो बादशाह ने इसकी एवज उन्हें एक और जागीर दे दी जिसको आज बागबानपुरा के नाम से जाना जाता है। सो वो जो बहुत ज़्यादा बाग थे इसलिए बाग से बागबानपुरा उसका नाम था। 1642 में जब बाग बन गया तो बादशाह ने उन्हीं को अपॉइंट कर दिया नाज़िम शालामार बाग। उसके बाद फिर जो प्रोमिनेंट नाज़िम आपको मिलेंगे, मतलब जनरेशन में काफ़ी लोग आते हैं, मियाँ सर शफी हैं, मियाँ जस्टिस शाहदीन हैं, मियाँ बशीर अहमद हैं, क़ायद आज़म के बहुत क्लोज साथी थे। उसके बाद जो नाज़िम आते हैं वो मियाँ इफ्तिखारुद्दीन वाज़ द लास्ट नाज़िम। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ नेहरू, इनफैक्ट दे वर रूममेट इन ऑक्सफोर्ड, दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी में पढ़े थे इंग्लैंड में। और फॉर दैट रीज़न मियाँ इफ्तिखारुद्दीन वाज मेनली इन ही रिमेंड अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस टिल 1945। जब मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने रिज़ाइन कर दिया तो चंद दिन बाद कायदे आज़म ने उनको लेटर लिखा कि यू शुड जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आई नीड यू। तो मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने ये रिप्लाई किया कि जी मैं तो सारा वक्त गलत था, मैं तो कांग्रेस में था, सो प्रूव ये हुआ कि यू वर राइट, आई वॉज रॉन्ग। तो मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मुस्लिम ज्वाइन करूँ, एंड कंटिन्यूसली रिफ्यूजिंग इट टिल 1947, जब काफ़ी हालात ख़राब हो गए और मुस्लिम लीग को और लोग चाहिए थे, देन ही जस्ट ज्वाइंड इट एज अ वॉलंटियर। खान के पीरियड में हुआ ये कि जो पॉपुलर वेरिएंट बंदा चला गया बहुत तेज़ी के साथ ईस्ट पाकिस्तान में भी और वेस्ट पाकिस्तान में भी, वो यही था कि आर्मी का रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर और आर्मी इलेक्शंस कराए और वापस जाए। लेकिन जो अयूब खान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था और वो बिल्कुल राज़ी नहीं थे इलेक्शंस कराने में। सो फिर मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की एक री एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, एंड ही वाज अमंग द की पॉलिटिशियंस, और भी थे बट ही वाज वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप जिन्होंने फातिमा जिन्ना को कायल किया कि आप मुस्लिम लीग को हेड करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबको पता है कि जो फाइनल ऑफिशियल रिजल्ट थे उसमें फातिमा जिन्ना इलेक्शन हार गई। और उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा एक रिएक्शन आया डिक्टेटरशिप जो थी उस वक्त, उसके नतीजे में इस फैमिली से शालामार बाग भी ले लिया गया, सारी जो ज़मीनें थीं स्पेशली मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की और जितने भी जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे ऑलमोस्ट सारी फैमिली की जो थी ज़मीनें नेशनलाइज कर ली गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.